वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। और आज आपको हमारे यहाँ बीकानेर की कुछ ऐसी ऐसी जगहें दिखाएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी कहीं भी यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। बस अभी जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक ले जा रहे हैं गाड़ी को, फिर आगे गाड़ी भी नहीं जा पाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद ट्रैक करके जाएंगे, लेकिन देखते हैं यहाँ की अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी वगैरह आपको दिखाते हैं हमारे इस चैनल पे। बने रहिए आप, स्टे ट्यून। तो फ्रेंड्स गाड़ी यहीं तक आ सकती थी लास्ट, अब यहाँ से हमें आगे ट्रैक करके जाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर चढ़ना है और सैंडून्स पे, और जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है काफ़ी है वैसे अभी तो, बाकी तो आगे आगे पता चलेगा। गाड़ी हमने यहाँ लगा दी हमारी, ये ट्रैक था जिस ट्रैक से अभी हम आए हैं। और यहाँ पर हमारी स्कॉर्पियो एन भी एक से दो बार ला चुका हूँ मैं, जिसकी वीडियो एक तो पब्लिश हो चुकी है, बाकी की आने वाली है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, सब बताते हैं आपको, अपडेट करते रहेंगे। ये हमारे फुट स्टेप पड़े हैं सैंड में, जो कि आप देख सकते हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि चलने में कितनी मुश्किल होती है इन जगहों में, क्योंकि पैर कुछ इस तरह दसते जाते हैं इसके अंदर। और चाहे आप कितना ही अच्छा शूज़ पहनना चाहे और, पर आपको मेहनत ज़रूर करनी ही पड़ेगी ऐसी जगहों पर चलने के लिए। ये जगह टेम्परेचर की वजह से भी और साथ ही में ऐसी डिफ़िकल्टी और यहाँ पर कुछ अवेलेबलिटी नहीं रहती है उसकी वजह से हमेशा ही चैलेंजिंग रहती है। देखने में ही अच्छी लगती है लेकिन हकीकत में है नहीं, हकीकत कुछ और है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बीकानेर शहर, इसके व्यू के लिए आज हमने इतनी मशक्कत की है, जो ये हमारे पूरी की पूरी आपको बीकानेर सिटी दिखाता हूँ मैं। ये जो बीकानेर सिटी है ये चारों तरफ बस ड्यून से घिरी हुई है, और जो जिस साइड हम आए हुए हैं इस साइड ही ड्यून सबसे ज़्यादा हाइट में है, जहाँ से आपको सिटी दिख सकती है अच्छे से प्रॉपर। रात के टाइम में बड़ा ही अच्छा लगता है, यूँ लगता है ऐसे दोरों के बीच में लाइट जलती है जब शहर में, तो काफ़ी अच्छा अलग ही व्यू आता है, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा दोस्त और साथी में, हम दोनों चलते जा रहे हैं स्पीड में। कोई अंदाज ही नहीं है इस भीड़ के ख़त्म होने का, बहुत ही लंबा रास्ता तो कवर कर चुके हैं अभी तक,
और सब अच्छा चल रहा है। तो फ्रेंड्स चलते चलते समस्या ये हो चुकी है कि हमारे पास जो भी लास्ट बोतल थी पानी की वो भी खाली हो चुकी है, और अब यहाँ पे पानी का तो कोई सोर्स है नहीं और ना हम एक्स्ट्रा लाए, तो ये मुश्किल तो हो चुकी है। क्या कहता है लोकेश इस बारे में, क्या करें, चलना तो पड़ेगा आज। हाँ और कोई ऑप्शन भी तो है नहीं हमारे पास, चलते हैं फिर। युवराज इधर देख, यही मैं नोटिस करा था, ये लोकेश को क्या दिखा है, शाम की लीक थी। अरे आज अच्छा। शाम को फुटप्रिंट यानी, अच्छा ये सांप के पगडंडी है। हाँ यहाँ से गया होगा वो, ये देखो एकदम विजिबल है, यहाँ हम बात है सांप वगैरह आया दिखना। ये देखिए लोकेश डरा और दिया तूने पर चलो ये तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे और तो कुछ मिलेगा नहीं। चल तेरा डर नहीं है, सांप दिखा लो नहीं 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 सांप नहीं दिखा यहाँ दिख भी जाएगा वैसे भी। तो फ्रेंड्स अभी काफ़ी चल चुके हैं, बस एक जगह पहुँचने ही वाले हैं, बस आज से प्रॉब्लम ये रहेगी कि थोड़े टाइम की कमी है बस, क्योंकि शाम होने वाली है और ऐसा कुछ इक्विपमेंट और हम साथ में लाए नहीं है ना बैटरी बैकअप जो लेट तक चल सकें। तो फ्रेंड्स देखो ये है हमारा रियल राजस्थान, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा आज आइडिया आ ही गया था हमें, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि ऐसी जगह चलते हैं, क्योंकि हर बार आपको आपको पहले भी मेरी वीडियो में मेरे तो चलो चैनल भी अभी आए हैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमेशा राजस्थान के सिर्फ वो पार्ट्स ही देखे होंगे जहाँ गाड़ी आ सकती है जा सकती है, हमेशा राजस्थान के वही पार्ट देखे होंगे जहाँ गाड़ी आ सकती है, मगर आज आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ पे मेरे हिसाब से तो नहीं आया हुआ होगा कोई। और लोकेश कैसा रहे अगर कभी 24 आवर चैलेंज करें यहाँ पे, बिल्कुल आएंगे, पर रेडी हो गए आएंगे उसी हिसाब से चॉइस। हाँ पानी लेके आएंगे साथ में, बिना पानी तो बहुत मुश्किल है। करें क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जगह ही ऐसी रहेगी कि यहाँ पे कोई ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ ना कोई गाड़ी से आ सकता है ना, और बस हमारी तरह ऐसे घूम घूम के चल चल गए ऐसी जगहों में जहाँ देखो बस यही यही पौधे हैं और हैं। और अब अगली बार आपको जहाँ ले जाने वाले हैं वहाँ तो एकदम मैंने भी कभी नहीं सोचा, एकदम अनएक्सपेक्टेड है उस जगह पे, वो पूरा मतलब वो अभी यहाँ तो क्या है कि सिटी से थोड़ा पास में तो है ये, थोड़ा तो क्या है तो दूरी बट पास में तो है, लेकिन जो अगली बार आपको जगह ले जाएंगे ना वो होगी नेक्स्ट लेवल, जो वो दूर है काफ़ी और वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहेगी। बस सुना है गए नहीं है कभी, लेकिन जाएंगे ज़रूर। और फ्रेंड्स बस अभी भी चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, अब आपको एक सिटी का बढ़िया सा व्यू दिखाएंगे बस थोड़ी सी देर में, एक जगह आने वाली है जहाँ से सिटी का व्यू आएगा अच्छा। शाम की बम्बी अरे हाँ सांप का घर आ गया भाई, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ से हमारे सिटी का अच्छा व्यू आता है, अच्छा तो क्या बहुत ही शानदार पूरी सिटी का व्यू आएगा बीकानेर टाउन का, वो जो कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ। बस मैं और लोकेश उसे ही देख के आओ, इतनी देर बाद हिम्मत मिली है, ये हमारी पूरी बीकानेर सिटी है, व्यू ऐसा है कि भाई देख के ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, आसपास गांव है और गांव भी काफ़ी दूर है यहाँ से जो भी आस पड़ोस में होंगे। थोड़ी देर में तो बस अब सनसेट भी होने वाला है, अभी तो वैसे पड़ा है अपने पास 1 घंटा और पड़ा है, वो पिछल कभी तो जाना है वहाँ पे। ये हमारी पूरी बीकानेर सिटी है जो आपको यहाँ से कुछ पार्ट दिख रहा होगा, और यहाँ देखिए लोकेश मस्त हवा खा रहा है यहाँ पे इतनी देर चलने के बाद में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो,
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा मुझे इससे, आगे के लिए भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। हाँ, मुझे पता है अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और है हर चीज़ में, बट कोशिश कर रहा हूँ पूरी की पूरी और देखते हैं, बस आपका साथ बना रहे तो सब चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए। और सिर्फ इस व्यू के लिए और सिर्फ इसलिए कि आज देखते हैं खुद चल के, आज हार्ड वर्क करके थोड़ा ये कैसा लगता है, तो काफ़ी दिन से बस कहीं बाहर जाना हुआ नहीं था, सो यही आइडिया आ गया क्यों ना बीकानेर से ही दूर जाके बीकानेर का ही व्यू लिया जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में और अच्छे से नए कंटेंट के साथ में और कुछ डिफरेंट एक्टिविटी के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स और मिलते हैं जल्दी। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास में और अब तो बस वेट ही नहीं हो रहा, जल्दी से आप चलते हैं घर पे क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं।